जय साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। कल से काफी लोगों के फोन आ रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं कहीं निराश हताश तो नहीं हूँ, दुखी तो नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 साल राजनीति में पूरे किए हैं और मुझे याद है 17 साल पहले 2003 में मोती नगर से मदनलाल खुराना जी, अब दुनिया में नहीं रहे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने पहला चुनाव लड़ा था। विधानसभा का हारी थी लेकिन निराश नहीं हुई थी। परिणाम स्वीकार इस बार भी कर रही हूँ, लेकिन हार स्वीकार करने वालों में से अलका लांबा नहीं है। लड़ाई को दिल्ली वालों के लिए, लड़ाई को आगे लेकर जाऊंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दिल्ली के चुनावों में, बिल्कुल किसी को भी यकीन नहीं हो सकता कि कांग्रेस दिल्ली में 5% से कम वोट लेकर जाएगी, बिल्कुल यकीन नहीं था। और जहां तक 6 तारीख को जब प्रचार पूरा थमा तो 7 तारीख को प्रचार नहीं था, शांति थी दिल्ली में, और तब मंथन एक शुरू हुआ। समझ आ गई थी 7 तारीख को, जो अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे खुद कहा, माँ हम जीत नहीं रहे तो हम हार भी नहीं रहे हैं। मैंने ट्वीट पहले ही कर दिया था क्योंकि लोग मन बना रहे थे 7 तारीख को कि 8 को किसे वोट करना है। बिल्कुल इन दिल्ली के चुनावों में आप सबने देखा, CAA, NRC, शाइन बाग, जामिया, पूरा भाजपा ने ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई को इन चुनावों में बनाकर रखा हुआ था। और जहां तक मीडिया की बात है, वो तो कांग्रेस को कभी भी उन्होंने टक्कर में दिखाया ही नहीं। तो मीडिया का एक जो की वजह से जो परसेप्शन बन रहा था दिल्ली वालों में, ये था कि लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। ये एक परसेप्शन दिल्ली वालों के मन में बन रहा था। जहां तक माइनॉरिटी के हमारे मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, बिल्कुल वो CAA NRC के खिलाफ जो खड़ा उन्हें दिख रहा था वो उनके साथ खड़े रहे। और कांग्रेस पूरी तरीके से हमारे जो राज्य में सरकार है, चाहे वो हमारी राजस्थान की सरकार हो, पंजाब, मध्य प्रदेश, और अभी भी पांडेचेरी की सरकार ने ऐलान किया है अपनी कैबिनेट की मीटिंग में कि हम अपने कांग्रेस शासित राज्यों में NRC CA बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। तो कांग्रेस बिल्कुल पूरे आंदोलन CAA NRC के खिलाफ जो आंदोलन था उसके साथ खड़ी दिखी। ये मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से मानता है कि कांग्रेस NRC CCA के खिलाफ थी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। लेकिन उस मतदाता को ये लग रहा था कि कांग्रेस बेशक हमारे साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों में भाजपा को दिल्ली में हराते हुए उन्हें नहीं दिख रही थी। ये कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें था। और उन्हें ये दिख रहा था कि केजरीवाल बेशक उनके साथ नहीं खड़े थे, केजरीवाल NRC CA के किसी भी आंदोलन में, जामिया, JNU नहीं गए, उनके साथ नहीं खड़े थे इस आंदोलन को जो लोग कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये यकीन हो गया था कि भाजपा को दिल्ली के अंदर कांग्रेस नहीं, केजरीवाल रोक पाएंगे, इसलिए वो सारा जो वोट NRC नागरिकता के आंदोलन के साथ उसके खिलाफ खड़ा था, वो सारा का सारा जो है केजरीवाल की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गया, जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये हुआ। अब जब हुआ है तो उसे हमें स्वीकार तो करना ही होगा। और पूरी तरह जो माइनॉरिटी वोट दिल्ली का था वो पूरी तरह से भाजपा के ध्रुवीकरण में उस तरफ पूरा चला गया, और कांग्रेस का जिसमें 5% वोट टोटल दिल्ली में मिले। और जो दूसरा, जैसे भाजपा पूरे चुनाव में हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में बता दी थी कि तुम हिंदू हो, तुम राष्ट्रवाद हो, देश खतरे में, हिंदू खतरे में, वो जो हिंदू वोटर भी था उस पर भी राष्ट्रवाद का ये जो जादू कोशिश कर रही थी भाजपा, जिस तरह के जहरीले बयान दिए जा रहे थे जिसे उन्हें ध्रुवीकरण करके हिंदू वोट को सोच रहे थे एक तरफ कर लेंगे, उनके ऊपर भी देखेंगे तो राष्ट्रवाद से ज्यादा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्राएं, और चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, बस की टिकट हो हमारी बेटियों के लिए, उसका असर ज्यादा दिखा। तो हिंदुओं पर राष्ट्रवाद नहीं चला, लेकिन मुफ्त की जो का बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वाले मुद्दों पर जो केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर खर्च किया गया, जो मुझे लग रहा था जायज नहीं है। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, पर सरकार के करोड़ों रुपए पानी की तरह इनके विज्ञापनों पर खर्च किए और अपनी एक हवा बनाई, उसी का फायदा केजरीवाल जी को मिला भी कि पूरी हवा ऐसा लगा कि भाजपा को अब हराना है तो कांग्रेस नहीं, आम आदमी है, इसलिए सारा कांग्रेस का वोट पूरी तरह जो है वहां पर चला गया। और यही वोटर बिल्कुल, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव देखेंगे तो पूरा उस समय आम आदमी पार्टी तीसरे पर थी, सारी सीटों पर उनकी 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 हार हुई थी, ये जस्ट साल भी नहीं हुआ उस चुनाव को। सो मैं ये देख रही हूँ कि दिल्ली में लोग बहुत समय से ये देखते हैं कि भाजपा को कौन हरा रहा है। अगर लोकसभा में कांग्रेस हरा रही थी तो मतदाताओं ने पूरा जो है वोट, खासतौर से माइनॉरिटीज की अगर बात करूं
और ऐसा लोग जो बिल्कुल भाजपा में विश्वास नहीं करते वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, और अभी देख रहे हैं पूरी तरह केजरीवाल के साथ खड़ा है। ये 5 चुनाव है, 3 चुनाव शीला दीक्षित जी लड़ी और जीती और ये 3 चुनाव केजरीवाल लड़े और जीते हैं। 6 चुनाव ऐसे रहे कि भाजपा ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी हो दी और उसके बावजूद पिछली बार वो 3 पर और इस बार 7 पे सीमित गए, क्योंकि दिल्ली वालों का अब समझना होगा भाजपा को खासतौर से कि आपकी ये नफरत की जहर की हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीतियों का समर्थन कम से कम दिल्ली नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा पिछले 6 बार के चुनावों में भाजपा को, केंद्र में सरकार है, नगर निगम में 3 मेयर है, पूरी तरह से दिल्ली इनके मुट्ठी में थी, पर फिर भी 3 पिछली बार 3 और इस बार 7 पे उन्हें टिकना पड़ा। और जहां तक केजरीवाल की बात करूंगी, उनके पास एक साफ चेहरा दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आगे बढ़ रही है। भाजपा ने मोदी जी के चेहरे पर लड़ा, जहां तक मनोज तिवारी जी की बात है उसे पार्टी के अंदर ही कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, दिल्ली के तो स्वीकार करने की बात दूर है। और हाँ, कांग्रेस के पास भी एक चेहरा, जिसे क्योंकि हम शीला दीक्षित जी के चेहरे पर पिछले चुनावों को लड़ा और बहुत बेहतरी से हमें लड़ा, ये पहला चुनाव था कांग्रेस के लिए जो हम शीला दीक्षित जी के बिना लड़ रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग दिल्ली में शीला दीक्षित जी के कामों को और उन्हें बहुत याद कर रहे थे और मिस भी कर रहे थे कि पहला चुनाव है दिल्ली का जो शीला दीक्षित जी के बिना हुआ, और कोई चेहरा ना होने का कहीं तक नुकसान जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर उठाना पड़ा। और इसके अलावा साफ दिख रहा था कि भाजपा कहाँ खड़ी है, केजरीवाल कहाँ खड़े हैं, कांग्रेस बिल्कुल दोनों के बीच में खड़ी थी, क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे 6 साल से ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार, ना एक सांसद, ना दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, ना एक विधायक था, नगर निगम में सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का एक संघर्ष था। हाँ, शीला दीक्षित जी के जाने के बाद 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण थे, उस 3 महीनों में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कांग्रेस को करना चाहिए था, जिसमें बहुत देरी हुई और वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था चुनावों से जस्ट पहले के 6 महीने, जिसमें से 3 महीने हमारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष शीला दीक्षित जी के निधन के बाद खाली रहा, जो वो तुरंत अगर भर दिया जाता तो संगठन के ऊपर पूरी तरह से जो सुभाष चोपड़ा जी को जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव से 3 महीने पहले सौंपी गई, अगर वो 6 महीने पहले सौंप दी गई होती तो मुझे लगता है एक मजबूत संगठन के साथ हम ताकत के साथ आगे बढ़ सकते, लेकिन वो 3 महीने हमारा जो है नुकसान हुआ कि कांग्रेस को। लेकिन मैं ये मानती हूँ कांग्रेस बिल्कुल अपनी गलतियों से सबक लेगी और लेना भी चाहिए और हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आपकी हकीकत यह है जिसे हम सबको एक बड़े दिल के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की केजरीवाल सरकार ने वापसी की। हम अपनी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को, दिल्ली की मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे अरविंद केजरीवाल जी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपके और आपके विधायक के उम्मीदवार जो अब विधायक बन गए हैं, दिल्ली के लोगों से जो जो वायदे उन्होंने किए हैं उन पे वो अब खरे उतर के दिखाएं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अलका लांबा विधानसभा के अंदर हो या बाहर, वो एक मजबूत विपक्ष की आवाज बनकर, दिल्ली वालों की आवाज बनकर, दिल्ली वालों के लिए मुद्दों पर लड़ती रहेगी। और बहुत लोगों को दुख हो रहा है कि ये आवाज अब विधानसभा के अंदर नहीं सुनाई देगी, पर मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आज ही 140 रुपये जो है वो सिलेंडर कर दिया गया, 140 रुपये सिलेंडर, महंगाई की मार है या कांग्रेस सदन के अंदर है या बाहर, आपको ये आवाज आम जनता के लिए महंगाई में गूंजते हुए दिखेगी, आपकी आवाज बनकर गूंजेंगे हम लोग की महंगाई में 140-150 रुपए का जो सिलेंडर है वो कीमतें वापस लेने का दबाव बनाना हो कांग्रेस बनाएगी, कि राज्य सरकारों को राहत देनी होगी उस गरीब आम आदमी को तो उसे देनी होगी। और दिल्ली की अगर बात करें, कानून व्यवस्था, पुलिस अगर बात करें, तो कल ही आम आदमी पार्टी के महरौली से नरेश यादव विधायक के ऊपर जो है गोली चलाई गई। ये भारत की राजधानी है, कानून व्यवस्था सुरक्षा नागरिक कहाँ है, उसके लिए बिल्कुल कांग्रेस और अलका लांबा आपको लड़ते हुए दिखेंगे कि नागरिक सुरक्षा दिल्ली के अंदर क्या है, कि गोलियां चलती हैं सरेआम सड़कों पर, उनके एक कार्यकर्ता की जो गोली लगने से मौत भी हो गई और एक गंभीर हालत में है। तो महंगाई की बात करें, सुरक्षा की बात करें, और या फिर आप देखेंगे दिल्ली के बहुत से मुद्दे हैं, हवाएं अभी भी जहरीली हैं, अभी भी दिल्ली के आंकड़े आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस बिल्कुल यकीन मानते हैं। अभी दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी को मैं कहूंगी, आपने बहुत मजबूती के साथ बहुत कम समय पर
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने आपको ये जिम्मेदारी दी थी और आपने बहुत मजबूती से, मैं कहूंगी एक पिता समान है सुभाष चोपड़ा जी, आपने बहुत मजबूती से इस चुनाव को, संगठन को बहुत कम समय पर आंदोलित करते हुए, एक रखते हुए इस चुनाव को लड़ा है। और अभी आपने सुना है इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाकू जी ने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पार्टी में एक बदलाव अब आना चाहिए। अब पार्टी का पूरा चेहरा और नेतृत्व जो है दिल्ली का, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगी, बिल्कुल दिल्ली का वो एक अब नई सोच, एक नए चेहरे के साथ और एक नए संगठन को अगले संघर्ष के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ना है। और यकीनन हम लोग हारे जरूर, हम लोग परिणाम में कह रही जो भी आए, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। हम एक नई लड़ाई, नई जंग दिल्ली वालों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि 2022 में दिल्ली नगर निगम के 272 सीटों पर चुनाव है और हमारी पूरा अब फोकस रहेगा कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, एमसीडी के साफ सफाई, गंदगी और बहुत से पार्किंग के इशू, जाम रहना, स्वच्छ दिल्ली का जो नारा के साथ हम लोग देखेंगे आगे बढ़ना है हम लोगों को। और जहाँ तक दिल्ली की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, अभी अगले कुछ सालों तक दिल्ली का में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं होगा सदन में देखने को, संसद में एक भी सांसद आपको दिल्ली से नहीं देखने को मिलेगा। दिल्ली के 3 नगर निगम में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी, पर कांग्रेस लोगों के दिलों में, कांग्रेस सड़कों पर लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते हुए आपको दिखेगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ। और चांदनी चौक विधानसभा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, अपनी पूरी जामा मस्जिद वार्ड हो, चांदनी चौक वार्ड हो या सिविल लाइन मजनू टीला चंद्रावल, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि पहली महिला विधायक चांदनी चौक विधान से ये सम्मान आपने मुझे दिया था 2015 से 20 तक का, मैं उसके लिए आपसे यकीन दिलाती हूँ। अलकलाम आपके बीच में आती रहेंगी, आपकी आवाज़ों को उठाती रहेंगी, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई अब अलकलाम चांदी चौक विधानसभा से दिल्ली तक कांग्रेस का एक संगठन खड़ा करने में, पूरे संगठन को एक साथ ले जाने में आगे लगाएगी। और मैं कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को कहूंगी 70 के 70 निराश मत होइएगा, ये चुनाव है, ये जीत और हार ये लगा रहता है, स्वाभाविक है। 10-10 अगर उम्मीदवार खड़े थे तो जीतना तो एक का था, नौ की हार निश्चित थी। कोई नहीं, लोगों ने हमें सत्ता नहीं, विपक्ष भी नहीं, सदन के अंदर नहीं पर बाहर जो उनकी लड़ाई लड़ने का हमारा हक है, उनके ऊपर जो हमारा अधिकार है, वो कांग्रेस से कोई नहीं छीन सकता। मैं दिल्ली वालों को यकीन दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर आपके हक, आपके अधिकार, आपकी समस्याओं को लेकर बिल्कुल केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सामने आपके लिए लड़ते हुए आपको दिखेगी, आपको निराश नहीं होने देगी। और मैं उम्मीद करती हूँ अब कांग्रेस पार्टी का एक नया संगठन, एक नया चेहरा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ताकत देते हुए, राहुल गांधी जी को ताकत देते हुए आगे आएगा। मैं एक बार फिर से पूरी दिल्ली का, चांदनी चौक विधानसभा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रही, लोग पूछ रहे थे आपने कल के परिणामों के बाद क्या किया, तो सच बताऊँ 2.5 महीने के बाद अपने घर लौटी हूँ। और सब जानते हैं घर घर होता है, 2 महीने लगभग मैं हरियाणा गेस्ट हाउस में रुकी और उसके बाद किसी के यहाँ पर मैंने बेसमेंट में और एक कमरा लेकर रही, और आज मैं 2.5-3 महीने के बाद अपने घर लौटी हूँ। बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। और लोग पूछ रहे हैं क्या किया है, सिर्फ सोने के अलावा कुछ नहीं किया, बिकॉज बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। रात को 12-12-1 बज रहे थे, सुबह 6 बजे उठकर सबको जगाना और फिर एक लड़ाई के लिए तैयार होना, पर मैंने बहुत नींद ली, बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ और अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए, दिल्ली वालों की एक लड़ाई के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और निवेदन करूंगी इस मेरे फेसबुक लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि पूरे देश भर से जो कांग्रेस पार्टी या खासतौर से मेरे शुभ चिंतक जिन्होंने कहा है कि उन्हें मेरी हार से बहुत निराशा हुई है, मैं आप सबसे कहूंगी आपसे मुझे खूब ताकत मिली और मैंने इस पूरे चुनाव को बहुत मजबूती और ताकत के साथ मुद्दों पर लड़ा है। और मैं चुनाव बेशक लोग सोच रहे हैं हार गई हूँ, पर लोग खुद लिख रहे हैं कि मैंने दिलों को जीता है और वो अलकलाम में पार्टी का, दिल्ली का भविष्य देख रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अलकलाम आपको निराश नहीं होने देगी, एक नई लड़ाई के लिए जो सरकार बनी है उसे शुभकामनाएं देते हुए, और अपनी हम इस दिल्ली वालों के लिए
जो हमारी लड़ाई है, एक बेहतर दिल्ली, एक बेहतर जिंदगी देने का वायदा जो दिल्ली वालों के लिए है, उसे हम आगे लेकर जाएंगे। और कांग्रेस बिल्कुल पूरी ताकत के साथ दिल्ली वालों के साथ खड़ी रहेगी। मैं अलका लांबा, चांदी चौक के लोग आप मुझे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपसे मिलती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।